हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है मेहबूब, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम अनबॉक्सिंग करें हैं किस चीज़ की, मेरे को पता नहीं है। दो में जो फ्लिपकार्ट से आई है, जो मेरे भाई मंगवाया है, ये देख लीजिए आप फ्लिपकार्ट। इसको अनबॉक्स करते हैं अब, जो इस कटर से अनबॉक्स होता है। पहले इसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं। इसमें है एक लेबल का स्टिकर, आप देख सकते हैं ये स्टिकर है महाराजा भाई। ये देखिए अब ये स्टिकर है, इसको हम बारीक रख लेते हैं और लेते हैं कटर और इसको काटते हैं बाहर। इसमें क्या है ये मुझे पता नहीं है। यहाँ पर तो एप्पल का ब्रांडिंग दिख रहा है एप्पल। ये बहुत अच्छी बबल रैपिंग पैकिंग में आया है, आप देख सकते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में कुछ खराब ना हो। चलिए इस बबल रैप को भी खोलते हैं, कहाँ देखो ना यार। यहाँ पर दिख गया टेप, दिख गया। बबल रैपिंग के साथ आया है, निकल जा यार, फट जा, ये तो फटी नहीं रहा। ये निकल गया, तो बबल रैप निकल गया है। ये तरफ भी कुछ यहाँ पर टेप लगा हुआ है और हम टेप को काट लेंगे, निकाल लेते हैं। एप्पल की ब्रांडिंग भी टेप में आई है, जल्दी से इस बबल रैप को हटा लेते हैं। ये देखिए ये तो बबल रैपिंग है और ये आ गया है हमारा आईफोन। इसके पीछे हम टेप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है टेप और ये आईफोन 4 है। पहले इस टेप को हम खोल लेते हैं, टेप को हमने खोल लिया है और हम कटर की ज़रूरत नहीं है हमको, इसको बाहर रख देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ये आ गया है, ये बहुत स्मूथली निकल रहा है। यहाँ पर है हमारा आईफोन, ये देख लीजिए अब आईफोन बहुत लाइट वेट है और ये देख लीजिए बहुत छोटा है। मेरे आईफोन 6s से ये बहुत छोटा है, देख लीजिए आप इतना, ये बहुत छोटा है और इसमें फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता है आपको। और इसका ऑन ऑफ बटन ऊपर रहता है। और थोड़ी देर में पेश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ी देर। ओके दोस्तों, आप सब फिर से स्वागत है। ये देख लीजिए हमारा आईफोन हमने अनबॉक्स कर लिया और इसके ऊपर ही एक रैपर, इसको बाजू रखते हैं और हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है ये, इसको बाजू रख लेते हैं। और ये रहा हमारा फिंगर टिप्स, ये कोई फिंगर टिप्स लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं फिंगर टिप्स। और फिंगर टिप्स को खोल लेते हैं, ये देख लीजिए आप, ये है फिंगर टिप्स। ये बहुत बड़ा पेपर है, इसका साइज भी बहुत बड़ा है और पीछे ये बहुत बड़ा है साइज। और इन फिंगर टिप हमको इंग्लिश लैंग्वेज में मिले हैं। और ये रहे हमारे मिनिमम साइज के एप्पल स्टिकर्स और ये दूसरी लैंग्वेज, ये अरब लैंग्वेज में लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब लैंग्वेज फिंगर टिप्स लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब कुछ, बहुत बड़ा। और पीछे भी
इसको बाजू पर रखकर, और हमको मिला आईफोन फोर की एक इंस्ट्रक्शन बुक। अब देख सकते हैं ये बुक, यहाँ पर एप्पल का लोगो और आईफोन फोर वगैरह वगैरह कुछ है। और ये है हमारी आईफोन फोर का दूसरी लैंग्वेज वाला जो अरब का है, उसको बाजू रखते हैं। और हमको मिला है एक हेयर सेट उसको बाजू, और एक पावर अडेप्टर है। ये एप्पल का लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा हो, देखिए सामने भी लगा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये वाइट पूरा वाइट कलर में है। इसको बाजू को रखते हैं और हम इन सब को हटा लेते हैं, इन सब को अच्छी तरीके से हटा लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं हम। और ये देख लीजिए आप, ये है हमारा आईफोन, और हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर चार्जिंग ग्लो दिखा रहा है, हमारे पास तो चार्जर हमारे घर में है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दबा के फोड़ दीजिए। प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए, इस आईफोन के लिए सब्सक्राइब कीजिए, इस आईफोन के लिए। चार्जिंग ग्लो बता रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा इसको कहाँ से मंगवाया है, कितना है, सब कुछ। इसे मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, आप देख सकते हैं इसका फ्लिपकार्ट वाला को हटा लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए मेरा भाई का नाम साइफ लिखा है यहाँ पर, साइफ देख सकते हैं साइफ।